मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी एल मेमोरियल अकेडमी स्कूल से मैं प्रेप क्लास की आपकी टीचर बोल रही हूँ। आपको आज मैथ्स में मैं काउंटिंग नंबर्स 1 to 50 कराऊंगी। पहले मैंने 1 to 20 कराए थे, आपको मिसिंग लेटर मिसिंग डिजिट कराई थी, कौन सा नंबर मिसिंग है वो करवाया था। आज मैं आपको 1 to 50 काउंटिंग कराऊंगी, ठीक है ना। तो अब आप देखोगे कि मैं कैसे लिखती हूँ, कौन से डिजिट को किस तरह से बोलना है, इसके बाद में कौन सा डिजिट करता है, ये ध्यान करना है, ठीक है ना। देखो इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 के बाद में क्या आता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 के बाद में 21 क्या आएगा, 21 10 के बाद में 11 20 के बाद में 21 2, 1, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 क्या आएगा, 30। आप ऐसे नहीं बोलोगे 30, 30, आपको डायरेक्ट बोलना है 30। आपको बड़ी क्लास में हो, आप छोटी क्लासों में नहीं हो, प्रेप क्लास बड़ी क्लास होती है, इसलिए आपको 30, 30 नहीं और 30 ही बोलना है। इसके बाद में आएगा 31, 32, 33, 34, 35, 46, 47, 48, 49, 50। आज मैं आपको 50 तक ही कराऊंगी, ठीक है ना। अब आप प्लीज रिपीट करो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको 1 से 10 नहीं बोलोगे, इसको ओनली 10 बोलोगे, सिर्फ 10 ही बोलना है। 11, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब आपको अकाउंटिंग याद भी करनी है, लर्न भी करनी है और सफाई से वर्क भी करना है, ठीक है ना। आपको ऐसे कैसे बोल बोल करके और करना है। थैंक यू।